एक बच्चे को सांप ने काट लिया और उसके परिवार वाले जिंदा सांप को डिब्बे में बंद कर उसे अस्पताल ले आए। ये चौंकाने वाला मामला यूपी के झांसी का है। खबर सीपरी बाजार के नंदपुरा इलाके की है। 15 साल का लड़का है, नाम संगीत है। ये बच्चा अपने घर के अंदर सो रहा था, तभी सांप ने दस्तक दी। संगीत चिल्लाने लगा, इसके बाद परिजनों ने सपेरे को बुलाकर सांप को पकड़ लिया और उसे प्लास्टिक के डब्बे में बंद करके बच्चे के साथ झांसी के मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। मुन्ना सविता, क्या कौन किसको काटा आपके साथ? भांजे को। सांप लेके आए हैं अस्पताल, क्यों लेके आए, क्या कारण? इसलिए लेके आया कि हमें डॉक्टर साहब को दिखाना था कि किस सांप ने काटा, इस हिसाब से हमारे बच्चे को इलाज इस तरह से हो जाए, जो भी इंजेक्शन लगना हो वो हमारे बच्चे को लग जाए। अस्पताल में सांप देखकर हड़कंप मच गया, सभी लोग इधर उधर भागने लगे। डॉक्टरों ने तुरंत बच्चे को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर इलाज शुरू किया। बच्चे की माँ किरण ने बताया कि सांप के काटने के बाद बच्चे ने चिल्लाकर कहा मुझे खा लिया, जिसके बाद सांप को पकड़कर अस्पताल लाया गया। सभी लोग हैरान थे, एक सफेद रंग के प्लास्टिक के डिब्बे में सांप देखते ही लोगों के होश उड़ गए। अब परिजन सांप के जहर से संगीत को बचाने के लिए मंदिर में पूजा कर रहे हैं। मेरे बच्चे को सांप ने काट लिया, हम लोग बच्चे चारों लोग लेटे थे नीचे उस पे, और 10 मिनट में बच्चे को अस्पताल ले आए, उसका इलाज करवाया, उसी का इलाज चल रहा है। कैसे काट लिया, क्या था? लेटा था बच्चा, हाँ। हम भी लेटे थे साथ में। पता कैसे चला? पता इससे चला कि उसने कहा कि वो सुटपुटाया, तो मैंने देखा तो वो बोला कि खा लिया खा लिया खा लिया, तो वो देखा उसको तो वहाँ चला दिखाया सांप, तो फिर भागे लेके बच्चे को। फिर सांप पकड़ गया क्या? सांप पकड़ गया, हाँ। और डिब्बे में बंद करके रखा। अभी आप लोग कहाँ बैठे हैं? अभी झांसी मेडिकल कॉलेज। अभी कहाँ बैठे हैं? अभी शंकर जी के मंदिर पे डले हैं सब लोग, उन्हीं के दरबार में प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे बच्चे को ठीक कर दो। तो शंकर जी के पास क्यों आए थे? और भगवान भी तो हैं, सब लोग उन्हीं की प्रार्थना करते हैं, वो ही आए थे बच्चे। कितनी देर से आप यहाँ बैठे? 11 बजे रात से बैठे हैं यहाँ। अब बच्चे के परिजन और रिश्तेदार मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड के पीछे बने भोले बाबा के मंदिर पर सांप को रख कर पूजा अर्चना कर रहे हैं, ताकि बच्चे के अंदर सांप का फैला जहर कम हो सके और वो ठीक हो जाए। इसको लेकर लगातार महिलाएं मंदिर में बैठकर पूजा अर्चना करने में जुटी है। लोकल 18 के लिए झांसी से शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।